हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एसडी पर। फ्रेंड्स, समय से हमारी कोऑर्डिनेटर ट्यूटरशिप चल रही है, जिसमें हम कोऑर्डिनेटर के सभी बेसिक एंड एडवांस टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। देन उसके बाद हम एक ब्लॉगिंग सिस्टम पर प्रोजेक्ट बना रहे थे, जिसमें हम यूज़र को लॉगिन एंड साइन अप करा चुके थे। देन उसके बाद हमने पोस्ट क्रिएट की थी। हमने डेटाबेस में, हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने ये एक पोस्ट क्रिएट की थी। यहाँ पर हमने कुछ भी अगर लेते हैं, न्यू पोस्ट क्रिएटेड, देन हम पोस्ट को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वन आ जाता है और यहाँ पर हमारी जो पोस्ट है वो क्रिएट हो जाती है। तो आज हम इस पोस्ट के क्रिएट होने पर सक्सेस मैसेज भेजेंगे और अगेन इसे रिडायरेक्ट करेंगे यहाँ पर होम पेज पर, और यहाँ पर हम एक मैसेज देंगे कि योर पोस्ट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो इसके लिए हम आते हैं हमारे कोड पर। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं हमारी कंट्रोलर फाइल होम डॉट पी एच पी, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था क्रिएट न्यू पोस्ट। तो इसके अंदर हम यहाँ पर एक फ्लैश डेटा सेट करेंगे सबसे पहले। तो फ्लैश डेटा सेट करने के लिए हम इसे कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर हम एक फ्लैश डेटा बनाएंगे। इसमें यहाँ पर लिखेंगे सक्सेस मैसेज, और इसमें हम मैसेज लिखेंगे पोस्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड, देन सेव करते हैं। एंड इसके बाद हम करेंगे रिडायरेक्ट बेस यूआरएल एंड सेव, एंड इसे हम करते हैं रिलोड। देन यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू पोस्ट। तो देखिए, हम वापस होम पेज पर आ चुके हैं और हमारी पोस्ट भी क्रिएट हो गई है, लेकिन सक्सेस मैसेज नहीं आया है। तो सक्सेस मैसेज अब हमें शो करना है, तो इसके लिए हम ओपन करेंगे हमारी होम डॉट पी एच पी फाइल। इसके लिए हम जाते हैं व्यू में, और यहाँ पर हम ओपन करेंगे होम डॉट पी एच पी फाइल, और इसमें हमें यहाँ पर शो करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करते हैं ऑथ फाइल, हमारी लॉगिन फाइल पर, जहाँ पर हमने इसका मैसेज शो किए थे इस टाइप के। तो इस इफ कंडीशन को हम ऐसे कैसे कॉपी करेंगे, और यहाँ पर हम करते हैं इसे पेस्ट। तो यहाँ पर इस पीएचपी क्लोजिंग हटाएंगे, उसके बाद हम इस कंडीशन हमारी करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पर हमें देना होगा हमारे इस फ्लश मैसेज का नाम, इसका नाम है सक्सेस। तो यहाँ पर हम देते हैं कि अगर सेशन के अंदर ये फ्लश डेटा है तभी हमें यहाँ पर सक्सेस में ये शो होगा मैसेज हमारा। सेव, अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो देखिए, अभी हमें कोई मैसेज नहीं है, और यहाँ पर देते हैं पोस्ट सेक्शन टेस्टिंग, एंड जैसे हम करते हैं क्रिएट, तो देखिए पोस्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड आ चुका है यहाँ पर लिखा हुआ, और हमारे डेटाबेस के अंदर भी ये पोस्ट आ गई है। ये देखिए, दो हमने यहाँ पर दो बार क्लिक कर दिया तो दो बन चुकी है, पहले भी थी और अभी भी। एंड यहाँ पर हमारा मैसेज आ रहा है, और अगर हम इसे अगेन रिलोड करते हैं तो देखिए मैसेज गायब हो चुका है। ये मैसेज केवल एक ही बार रहता है जब हम पहली बार सेट करते हैं, उसके बाद हम जैसे ही रिडायरेक्ट होंगे तो पहली बार मैसेज दिखेगा, अदरवाइज ये मैसेज नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इस पोस्ट को डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर हम इमेज वाला सेक्शन बाद में करेंगे, पहले हम केवल टेक्स्ट टेक्स्ट पोस्ट को यहाँ शो करेंगे, और उसके बाद हम इमेज पोस्ट पर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट टूटल देखना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट अवेलेबल है, जिन्हें आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।